अभी तक धूप थी और अभी देखो सैंडस्टॉर्म जैसा, मतलब पवन, मतलब हवा उतनी तेज चल रही है, धूल मिट्टी उड़ रही है और मतलब बारिश जैसा हो गया अभी। गाइस दिस इज जय, टाइम हो रहा है दोपहर के ऑलमोस्ट 12:30। सो गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी एक वीडियो जस्ट एंड किया जो मैं ऊपरकोट वगैरह घूमने गया था। अभी यहाँ से जाना है कागवड़, परबधाम जाने वाला था बट मुझे नाइट स्टे नहीं करना है तो वहाँ पे नहीं जाऊँगा, डायरेक्ट कागवड़ जाएंगे। वहाँ से वीरपुर बाहर से दर्शन करेंगे बिकॉज वहाँ पे सामान रखने की जगह नहीं है तो मुझे सब खोलना पड़ेगा। तो दर्शन करते और निकलते अपने बोटाद सुरेंद्र नगर लिमड़ी साइड, अपने गांव के साइड, और वहाँ पे देखते क्या क्या स्टे करते क्या नहीं करते। तो पहले अभी यहाँ से प्लान हमारा कागवड़ का है, देखते आगे का प्लान, ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसे ही बता रहा हूँ, बट मेन प्लान यहाँ से कागवड़ है जो कि है 50 किलोमीटर। बैकपैक वगैरह मैंने माउंट कर दिया तो अभी निकलते जल्दी से। देखो ये रहा दामोदर कुंड यहाँ का, तो यहाँ पे लोग हाथ पैर धोते और नहाते ऐसा सब कुछ होता है, तो यहाँ का मेन कुंड है दामोदर कुंड। I step up to the mic, thought I'd make it swing. Feel the rhythm in your bones, let the music sing. Got that poppin' beat, gonna make you move. Dancing on the floor in the swinging groove. तो गाइस पहुंच चुके हैं मंदिर पे और यहाँ से पहले तरबूज वगैरह खाते थोड़ा सा, बिकॉज कुछ खाया था नहीं। बाद में मंदिर पे दर्शन करने के लिए जाते हैं, यहीं से जाना है तो बाइक अपनी यहीं मस्त पार्क कर दिए, तो बाइक वगैरह वहाँ पे पार्क कर दिए, मस्त तरबूज खा लिया। वो मतलब अंकल है वो मतलब पहचानते हैं, यहाँ पे मैं पहले आया हूँ ना, उनकी भी मतलब वो यहाँ पे मंदिर के वीडियोज़ वगैरह वो अपनी आईडी में डालते हैं तो वो मुझे सब बताते थे, मैं आया था अभी भी बता रहे थे। तो अभी मैं पहले दर्शन करके आता हूँ, हेलमेट और बैग वगैरह वहाँ पे, ये एक हैंड बैग सिर्फ मेरे पास है बिकॉज वो मैं कहीं पे छोड़ नहीं सकता इसी। तो अभी सुहा अपनी राइड की शुरुआत भी अपने कुलदेव से हुई थी और शायद से अंत भी वहाँ से ही होने वाला है बिकॉज खोड़ियार मंदिर से स्टार्ट किया था, खोड़ियार मंदिर पे हमारी राइड ख़त्म करेंगे। बट अभी यहाँ से जाना है हमें हमारे गांव पे, वहाँ पे भी दर्शन करने जाना है, तो वही हुआ कि हमारे कुलदेव पे ही ख़त्म होगी राइड हमारी। सो मंदिर वहाँ पे, यहाँ पे भी सीढ़ियाँ चढ़नी है और वैसे गिरना चढ़ के मेरी हालत थोड़ी सी टाइट हो चुकी है, पैर मेरे वैसे भी कांप रहे हैं, तो मैं जा रहा हूँ वहाँ पे दर्शन करने के लिए। अगली बार जब मैं आया था तब वहाँ पे मतलब बारिश जैसा था, फुल्ली मतलब अंधेरा ही अंधेरा और ऐसा, और अभी आया हूँ तो फुल धूप है। उस बार जब आए थे तब यहाँ पे हमने फ़ोटोज़ खिंचवाई थी और मंदिर यहीं से दिखता है, बट अभी छाँव में चल रहा हूँ बिकॉज धूप ही उतनी है, बाहर चल ही नहीं पाते। मैं गेट से यहाँ तक आने में मेरी फट गई है चल के, बिकॉज पैर उतने दर्द कर रहे हैं मेरे, बिकॉज चल ही नहीं पा रहा मैं, वो मुझे वो व्हील चेयर चाहिए बिठा के ले जाओ कोई। सो दर्शन करने जाते हैं, वो अंदर तो सूट नहीं करने देंगे, और भाई गर्म तो जो इतना ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, अच्छा है कारपेट बिछाइए तो। जय माता जी, सबका अच्छा करना। I confess the rhythm takes over, no to rest. So, देखो वो सामने पहाड़ दिख रहा है, वो है चोटीला का, ऊपर मतलब चढ़ने होता है मंदिर होता है, तो मैंने दूर से ही दर्शन कर लिए थे, ऊपर चढ़ने की हालत थी नहीं। अभी एक रेस्टोरेंट पे मतलब ढाबा जैसा है वहाँ पे रुका हूँ फ्रेश होने के लिए और थोड़ा सा बाइक को आराम देने के लिए, बिकॉज यहाँ से हमारा गाँव यानी कि ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर है, तो अभी वो भी 70 नहीं रहा होगा, मैंने चोटीला तो क्रॉस कर दिया है। मेरी हालत तो ठीक है अभी, बट धूप है अच्छी खासी, मतलब हेलमेट में नहीं लगती है बट ऐसे लगती है, तो आज मैंने जैकेट भी नहीं पहना, ऊपर से जैकेट मेरा बैग के अंदर है। सो अभी रुका थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करने के, चिप्स वगैरह ली है, एक स्प्राइट ली है और ठंडा पानी, पहले तो पानी पीना है मुझे। वैसे मैंने अभी जो आपने हाईवे वाला शॉट देखा उससे पहले मैं एक पेट्रोल पंप पर रुका था राजकोट क्रॉस करने के बाद, वहाँ पर मैंने सूट नहीं किया था। हेलमेट की हालत देखो, पूरी धूल धूल हो रही है, धूल मिट्टी से भरा पड़ा है बिकॉज रास्ते में धूल ही इतनी उड़ रही है भाई, क्या करें, मिट्टी इतनी उड़ रही है। तो गाइस पहुँच चुके हैं घर पे। हाँ क्या सभी बैग वैग निकालने बाकी है, तो गाइस घर पे आ गए, फ्रेश वगैरह हो गए, मतलब हाथ मुँह धो लिया और मस्त मालिश वालिश हो गई, अभी कपड़े चेंज कर लेते हैं, इसको आदत हो गई, थोड़ी देर खेले तो अभी मुझे बुला रहा है। बोलो क्या बात है, आओ यहाँ, अब जाओ जो, बाय 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 बाय।
बुला रहा है। आया 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 आया, आया, आया। तो गाइस घर पे तो आ चुके हैं और मस्त अभी सोडा वोडा पीने के लिए गए थे। सोडा वोडा बोलोगे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीने के लिए गए थे। गुजराती बोलते बोलते मैं ना हिंदी ब्लॉग नहीं कर पाता हूँ मैं, और मैं यहाँ पे गुजराती बोलने के चक्कर में गुजराती भूल जाता हूँ और हिंदी बोलने लगता हूँ, और ब्लॉग में मैं हिंदी छोड़ के गुजराती बोलने लगता हूँ, तो दोनों जगह उल्टा हो जाता है। मैं गुजरात में घूम रहा हूँ फिर भी अगर मैं किसी को पूछ रहा हूँ ना, तो ब्लॉग के चक्कर में सबको हिंदी में बात करता फिरता हूँ, क्योंकि सभी आदत सी हो गई हिंदी में बोलने की, और जब व्लॉग शूट करता हूँ तब गुजराती मुँह से निकलती जाती है। तो आज है दूसरा दिन, नहा के रेडी वगैरह हो चुके, अभी जाना है ये वाली बाइक को हमारी वॉश करने के लिए। चलते हेयर सेट कर लेता, बाद में चलते, कंघी नहीं मिल रही मुझे। बाइक वॉश करना है बट लाइट चली गई है, तो अभी बाल्टी भर के धोना पड़ेगा क्योंकि मोटर तो चालू होगी नहीं, तो इसी में से पानी निकालो और भरो और धो। मस्त तो चमक रही है ना अभी, बट हाँ डायरेक्ट बाल्टी से धोई है तो मडगार्ड वगैरह थोड़े से बिगड़े हुए हैं, बट बाहर से साफ हो गए, बिकॉज जो समंदर के पास जो नमक वगैरह उठता है ना, तो उससे बाइक ख़राब हो सकती है। अगर आप कहीं पे भी जाओ तो उसका मतलब जंक लग सकता है, इसीलिए तो धो देना अच्छी बात है। जाना है अपने गाँव दर्शन करने के लिए, जी ओ अगली बार जब आए थे तब गए थे ना वहाँ पे। सो घर पे भी जाना है और जो खेत में मंदिर है छोटा सा वहाँ पे भी जाना है। बाइक वॉश करके तो आ चुके, अभी चलते पेट्रोल भी फुल करवाना है, मिलते हैं रास्ते में। तो वी आर रेडी, मैं और चलो दोनों जा रहे हैं। मस्त लग रहा हूँ ना, बट असल में ब्लैक हो चुके, टैन हो चुके हम पूरे। तो गाइस अभी आए खेत में, वहाँ से जो गेट दिख रहा है वहाँ से अंदर बाइक लेके आए, वहाँ से रोड है मेन जहाँ से कलम आए थे, यहाँ से बाइक लेके आए अंदर। यहाँ पे मस्त पेड़ के नीचे रख दिए और यहाँ पे मासा चला रहे ट्रैक्टर। तो ये वाला खेत और सामने इस सारे में ट्रैक्टर चलाना है इनको। तो चलते अभी यहाँ से, रही अपनी बाइक की चाबी, ट्रैक्टर की चाबी नहीं है। सो अगेन फुल, देखते कितने का होता है, इट्स ऑलमोस्ट 600-700 का हो ही जाएगा। तो फुल हुआ 720 में, इस बार ज़्यादा। तो गाइस ये रही प्रोजेक्टर लैंप लाइट, ये वाली डबल लाइट होती है येलो और वाइट दोनों। सो गाइस ये रही अपनी एलईडी प्रोजेक्टर लाइट, जो अभी अपनी यास्मिन एकदम रेडी है। तो लाइट हमें मिली है 370 की, 380 बोले थे बट 370 कर दिए, पहले 350 किए थे बट 370 में डन कर दिए, बिकॉज डबल लाइट है येलो और वाइट। तो गाइस लाइट सेट हो चुकी है, वाइट येलो। सो अपने कान्हा के पास आए थे बट मंदिर बंद है, बट बाहर से दर्शन कर लेंगे, राधे राधे। सो गाइस पहुंच चुके हैं अपने मठ पे दर्शन करने के लिए, बट गर्मी में हालत टाइट है और यहाँ पे लाइट भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हम रहते हैं नहीं। तो दर्शन करते प्रसाद वगैरह करते और चलते। सो पहुंच चुके अपने खेत तक, वो वाला रास्ता देखा वो नया बन चुका है, जब हम अगली बार आए तब मैंने आपको बताया था ये वाला हाईवे था जो अभी ऐसा है, बट अभी RCC रोड बन चुका है। तो सामने दिख रहा वहां तक हमें जाना है चल के। तो गाइस कर लो दर्शन आप भी साथ में मेरे साथ, और ऐसे कुछ हमने प्रसाद वगैरह किया था, अभी चलते बिकॉज धूप ही इतनी यहाँ पे, क्योंकि बैठ नहीं पा रहे उतना गर्म है नीचे। और यहाँ पे छोटू सा मंदिर है जैसा बनाया हुआ है हमने। Cruising down the highway, windows down low, sunset paints the sky in a fiery glow. तो अभी तक धूप थी और अभी देखो सैंडस्टॉर्म जैसा, मतलब पवन, मतलब हवा उतनी तेज चल रही है, धूल मिट्टी उड़ रही है और मतलब बारिश जैसा हो गया अभी।
canvas unfolding so grand. In this journey we're living on plan. आज सोने वाले हम छत पे, अंधेरा है तो दिखेगा नहीं। एक वाली चार पाई है, एक वाली सामने से उठा के हम ला रहे हैं, तो सुबह दिखाऊंगा नज़ारा ये वाला। तो ऊपर सोने तो आए बट माहौल कुछ ऐसा है, दिख रहा है कुछ नहीं दिखेगा शायद से, ऐसा है देखो ऐसा। सो गाइस सो नहीं पाए ऊपर बिकॉज बारिश स्टार्ट हो चुकी है, बट दिखेगा कुछ नहीं आपको क्योंकि मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा। सो थोड़ा बहुत दिख रहा है मेरा चेहरा बट मुझे कुछ नहीं दिख रहा, सीढ़ियाँ देख के करनी पड़ेगी वरना मैं नीचे जाऊँगा डायरेक्ट। सो अभी दिखेगा, वापस से नीचे आ चुके हैं बिकॉज ऊपर बारिश स्टार्ट हो चुकी है।